ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले जर्मनी के इतिहास में एक लोक कथा का उल्लेख है। एक व्यक्ति संसार से विरक्त हुआ, वैराग्य जागा, दूर पहाड़ी पर चला गया और बहुत तपस्या की। परंतु तपस्या का उद्देश्य केवल तपस्या न थी, मन में छिपे किसी अहंकार की तृप्ति भी थी। और आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी तपस्या भी निमित्त बनती है अहंकार को जन्म देने की। बहुत वर्ष तपस्या की और एक दिन एक फरिश्ता प्रकट हुआ और फरिश्ते ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगो वो दे दूं। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक किसी को नहीं दिया, मुझे कुछ ऐसा दो जो किसी को न मिला। उस फरिश्ते ने कहा, ऐसा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, तुम ही सोच के बताओ कि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, वो कौन सी चीज है? वो ही मुझे चाहिए। तपस्या कभी कभी जिद में भी रूपांतरित होती है और आवरण प्रेम का पहनती है। परंतु छिपा होता है मांगना। वो कहता है, मुझे कुछ ऐसा दो जो भूतो न भविष्यति। वो फरिश्ता कहता है, हाँ एक वरदान ऐसा है जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, वो मैं तुमको दे सकता हूं। वो ये कि आज से तुम्हारी छाया नहीं होगी। वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि ऐसा वरदान तो आज तक किसी को ही नहीं दिया गया कि जिसकी छाया ना हो। लोग तो मेरा कितना गुणगान करेंगे, मैं रास्ते से चलूंगा और मेरी छाया नहीं होगी। यह कितनी अद्भुत घटना है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं चलूं और छाया नहीं। यह वरदान बड़ा अपूर्व है। वो फरिश्ते से कहता है, बस यही वरदान मुझे चाहिए। और उस व्यक्ति को वरदान मिल जाता है कि जब जब तुम चलो तुम्हारी छाया ना होगी। खुशी खुशी से पहाड़ी को छोड़ देता है। तपस्या का अर्थ जब पूरा हो जाता है, तपस्या खो जाती है। भट्टी में आए, भट्टी की, भट्टी पूरी हुई, शायद वहीं सब कुछ समाप्त हुआ। जो ले जाना था वो सूक्ष्म था, वो अदृश्य था, वो शायद वहीं छूट गया और उसकी पूर्ति कर दी स्थूल प्राप्तियों ने। तपस्या का लक्ष्य अविनाशी था, मिला विनाशी जो भी खो गया। ऐसा तो नहीं, आए किस लिए थे और जाते समय क्या ले जा रहे हैं? जो पाया इतना सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म था, उसे शब्दों में खो नहीं देना है। शब्दों के वर्णन में अनुभव की सूक्ष्मता नष्ट होती है कभी कभार। और जो जितना अमूल्य है उसे छिपा के रखा जाता है जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाए। और ब्राह्मण आत्मा की एक गलती, जरा सा अनुभव और ढेर सारा वर्णन। अव्यक्त महावाक्य वरदान में किसी थे, सेवा की, वर्णन किया, की कमाई नष्ट। वर्णन किस ढंग से किया जा रहा है? जो वर्णन किया जा रहा है वो सेवा का वर्णन है या मैं का वर्णन है?
बहुधा आत्मा सेवा के समाचार को मैं का समाचार बनाती है। वो व्यक्ति घर आया, अपने गांव पहुंचा और इतना खुश था और सड़क से चलने लगा, लोग घबराए, ये कौन है भूत जिसकी छाया ही नहीं है। छाया तो केवल दो लोगों की नहीं होती, एक तो भूत प्रेत और दूसरे देवताएं। देवता तो ये रहने से रहा, भूत ही होगा। जहां जहां जाने लगा लोग घबराने लगे, दुकान पर गया दरवाजा बंद, छोटे छोटे बच्चे भागने लगे, उसे आश्चर्य होने लगा ये क्या हुआ, क्योंकि उसकी छाया नहीं थी। घर पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा बंद किया, उसने कहा मैं हूं। पत्नी ने कहा तुम तो हो पर हमें तुमसे डर लगता है, बच्चे तो और ज्यादा घबरा रहे, तुम हो कौन, जाओ वहीं जहां तपस्या कर रहे थे, यहां ना आओ। जहां जहां से चलने लगा लोग घबराने लगे, आखिरकार लोगों ने यह निर्णय किया कि ये व्यक्ति बड़ा ही दुष्ट होगा, इसको गांव से ही बाहर कर दो, क्योंकि इसकी छाया ही नहीं है, और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। उस व्यक्ति की छाया खो गई थी, आत्मा थी, मनुष्य की आत्मा खो गई है, छाया है, और छाया है यह शरीर, और आत्मा है मूल वस्तु। क्या हमने भी अपनी आत्मा को खोकर छाया को तो नहीं पकड़ रखा है, आत्मा को छोड़कर देह को तो नहीं पकड़ रखा है, देह और देह की वासनाएं और देह की इच्छाएं और देह की तृष्णाएं और देह के भोग और देह का आकर्षण हमें खींचता तो नहीं है। कल अव्यक्त वाणी चली यहां पर, शायद 25 अगस्त 1971 अव्यक्त महावाक्य। जब मंदिर में जाते हो और देवी को देखते हो तो मन में क्या संकल्प आते हैं, और किसी फीमेल को देखते हो चित्र में, सिनेमा में, बोर्ड में, तो क्या संकल्प आते हैं। यहां वृत्ति चंचल नहीं होती, वहां वृत्ति चंचल होती है, क्यों? प्रश्न पूछा है बाबा ने। मंदिर में देवी है उसमें भी सजावट है, संसार में जो स्त्री है उसमें भी सजावट है, यहां भी सौंदर्य वहां भी सौंदर्य, वहां भी नेचर की ब्यूटी यहां भी नेचर की ब्यूटी, परंतु इधर वृत्ति चंचल होती है, यहां वृत्ति चंचल क्यों नहीं होती है, कारण बताओ। प्रश्न पूछा है बाबा ने मुरली में, 7 प्रकार की कमजोरी का वर्णन है। उत्तर था बाबा का, क्योंकि यहां स्मृति है कि ये देवी है और यहां स्मृति है कि ये फीमेल है, सारा खेल स्मृति का है। इसलिए ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, उनमें 7 कमजोरी में सबसे पहली कमजोरी जो उस वाणी में बाबा ने सुनाई 25 अगस्त 1971, हिस्ट्री हॉल में चली है मुरली, सबसे पहली कमजोरी 7 कमजोरियों में से, स्मृति में समर्थी कम। सारा कार्य स्मृति पर करना है, सारा कार्य इस स्मृति पर करना है, स्मृति को शक्तिशाली बना देना है, स्मृति में जो गलत रिकॉर्डिंग हुआ है उसको ठीक करना है। ये कौन आत्मा है? बाबा ने कहा 3 विधि, स्वयं को मेहमान समझो, स्वयं को महान अंतर को समझो, और एक दूसरों की महिमा गाओ। द्वापर से अब तक एक दूसरों की महिमा गाते आए, द्वापर से अब तक मंदिरों में जिन इष्ट देवी देवियों की पूजा करते आए वही इष्ट देवी यहां पर है, तब महिमा गाते थे, अब ग्लानि करते हो, क्यों? तो पकड़ना है चेतना को, देह छाया है, उसकी केवल छाया खो गई थी, हमने छाया को पकड़ा है और आत्मा खो गई। क्या वास्तव में आत्मा को पकड़ा है, या छाया के पीछे ही पागल है दिन रात, छाया का ही चिंतन है, छाया का ही मनन है? छाया को क्या चाहिए? छाया को जरा सी तकलीफ और तपस्या को दांव पर लगा देती है चेतना। रात में थोड़ा सा बुखार लग रहा है नहीं लग रहा है, संकल्प करती है आत्मा, कल का अमृत वेला हम नहीं करेंगे। बाबा को भी पता है,
क्या बाबा को पता नहीं? उसको भी पता है हम ठीक नहीं है। आत्मा पतित बनी है, आज सुबह की साकार मुरली, स्त्री पुरुष दोनों पतित बने हैं, उस दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन होंगे। ये पतित दुनिया, ये विशेष दुनिया, ये नरक है, ये दोजक है, ये हेल है, दुख ही दुख है यहां पर। क्या कह रहा है भगवान? वैराग दिला रहा है संसार से और शरीर से। किसी को संसार से वैराग है परंतु देह से वैराग नहीं। किसी ने देह को ही पकड़ रखा है, संसार से नाम मात्र वैराग है, वो भी सुख सुविधाएं यहां मिल रही है इसलिए। ये सुख सुविधाएं कम हो जाए तो वापस संसार का रास्ता पकड़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सोल कॉन्शियसनेस पर, आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति की 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेजेस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और हर आत्मा को इन 7 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा जब तक वह देहभान लुप्त ना हो जाए, जब तक आत्म अभिमान पक्का ना हो जाए। सारी मुरलियां केवल एक ही बात के लिए, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। तुम शरीर नहीं, नच भाती भूत संघम, ये भूतों का संग तुम नहीं, तुम कुछ और हो, तुम वो हो। जो शुद्ध चैतन्य है, कैसे पहुंचे उस अवस्था तक जब नेचुरल और सहज आत्मा अभिमान आ जाए। इससे पहले कि हम ये 7 अवस्थाओं की चर्चा करें, उन 7 कमजोरियों की चर्चा करेंगे जो बाबा ने 71 में कही थी। सबसे पहली कमजोरी है स्मृति की, स्मृति में समर्थ की कमी है, स्मृति भूल जाती है। जब ब्राह्मणों के संगठन में है, जब मधुबन में है, मधुबन जैसे स्थानों पर है, सेवा केंद्र पर है, रिट्रीट सेंटर पर है, तब तक स्मृति है। जब तक जब संसार में गए, स्मृति विस्मृति में परिवर्तित हो जाती है और वहां भूले होती है। ये खेल स्मृति और विस्मृति का है। जब जब हम स्मृति में है तब तक पुण्य है, जब विस्मृति में है तब पाप। पाप और पुण्य की एक ही शब्द में परिभाषा है, पाप अर्थात विस्मृति, पुण्य अर्थात स्मृति, स्मृति अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, अर्थात पुण्य अर्थात आत्माभिमान, पाप अर्थात देहाभिमान। सबसे पहली कमजोरी किन की सुना रहे बाबा? साधारण आत्माओं की नहीं, संसार की आत्माओं की नहीं। जो भट्टी के ले आए हैं, जो बड़ी बहनें उस समय आई थी 71 में, हिस्ट्री हॉल में भट्टी चल रही है, तब भगवान पधारे हैं बीचों बीच में और तब कह रहे हैं तुम तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की 7 कमियां हैं। इन कमियों का अमृत वेले चिंतन करो। इन कमियों का को यदि मिटाना है तो 7 दिन का कोर्स फिर करो। जो कोर्स तुम दूसरों को कराते हो अब खुद करो। जो कोर्स, जो सप्ताह, पवित्रता का सप्ताह, शांति का सप्ताह दूसरों को सुनाते हो अब खुद को सुनाओ। स्मृति को शक्तिशाली बनाना है और स्मृति को शक्तिशाली बनाने की विधि है मुरली का चिंतन, और स्मृति को शक्तिशाली बनाने की विधि है मुरली को याद रखना, और स्मृति को शक्तिशाली बनाने की विधि है 5 विधियां बाबा ने बताई। सबसे पहला रिवाइज करो, 7 दिन के कोर्स को फिर से रिवाइज करो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा मनन करो अमृत वेला और मक्खन निकालो। तीसरा एक दूसरे के साथ शेयर करो। जो चिंतन किया, जो मक्खन निकाला, कोई भी मिले तो उसको पूछना कि बाबा ने आज की मुरली में ये क्या कह दिया, ये कौन सी नई बात थी जो अब तक आज हमने नहीं सुनी थी। इस तरह से शेयरिंग हो मुरली का। एवर रेडी किसको कहा? हर समय अंतिम घड़ी। त्रिकालदर्शी किसको कहा? संगम का टॉप पॉइंट किसको कहा? उस पॉइंट पर बैठ के क्या करना है? साकार मुरली आज सुबह की परफेक्ट तुम तब बनोगे जब बाप समान सागर बनोगे ज्ञान के और सुख शांति के।
परफेक्शन की क्या परिभाषा है? मुरली में ज्ञान का चिंतन होते रहे तब स्मृति शक्तिशाली होगी। तो सबसे पहली कमी है स्मृति की समर्थि की कमी। दूसरी कमी है दृष्टि में अलौकिकता और रूहानियत। नंबर वार है और यथाशक्ति आई हुई है। ये दृष्टि ही सिविल बनानी है। कुछ दिनों पहले मुरली थी, अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनलाइज है। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनलाइज है। भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। जहां जहां मर्यादाएं ढीली होगी वहां वहां विकर्म होगा और वह आत्मा को जलाएगा। कल की साकार मुरली वरदान पश्चाताप की घड़िया होगी। दूसरा गड्ढे में गिरा और हम भी गिरे, बाबा को रहम आता है, पश्चाताप की घड़ियों से गुजरना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, ये नहीं करना है फिर भी हो रहा है, पावर कम है। आंखों से होने वाले विकर्म, आप सबको टॉपिक दे रहे हैं चिंतन का। आंखों से होने वाले पाप कौन कौन से है, चिंतन करना है। तो दूसरी कमी बताई तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की, आंखों में रूहानियत नहीं है, आंखों में अलौकिकता नहीं है, है भी तो नंबर वार और है भी तो यथाशक्ति। इन आंखों को पवित्र बनाना है। इन आंखों को पवित्र बनाने की विधि है लंबा लंबा समय तक बाबा से दृष्टि लेना, उसकी किरणें इन आंखों पर पड़ने देना। जितनी आंखें पवित्रता के सागर के सामने रही, जितनी आंखें पवित्रता के सूर्य के सामने रहेगी, उसके अंदर का मल कलंक पाप दोष धुल जाएगा। ये दूसरी कमी। तीसरी कमी है वृत्ति में विल पावर कम होने की वजह से वृत्ति चंचल है, एक रस नहीं। तीसरी बात, ये बाबा सभी आत्माओं को कह रहे हैं जिन्होंने भगवान को जाना है, जिन्होंने भगवान को पहचाना है। बाबा कह रहे तुम्हारी वृत्ति में भी कमी है। ये तीन मुख्य कमियां हैं और तीनों के लिए उदाहरण दिया जो पहले बताया। मूर्ति, मंदिर की मूर्ति, मंदिर में देवी है और संसार में पोस्टर बोर्ड और सिनेमा में भी चित्र है किसी का, वहां वृत्ति चंचल हो रही है, यहां नहीं होती, क्योंकि यहां स्मृति है, ये देवी है। बड़े से बड़ा पापी भी मंदिर में चला जाए तो उस देवी को देखकर उसके मन में दिव्यता के भाव जागते हैं, क्योंकि मन में समाया है ये दिव्य है, ये पवित्र है, ये शुद्ध है। हमारे आंतरिक अवस्था भी ऐसी हो कि हमको कोई देखे तो उसके अंदर भी अपवित्र संकल्प न जगे। ब्रह्मा बाबा ने कभी मम्मा के लिए कहा था, मम्मा के लिए, कि मम्मा वो आत्मा है कि पापी से पापी भी मम्मा को देखे तो उसके मन में भी विकारी संकल्प नहीं आ सकते। ये तीन कमियां, स्मृति समर्थि की कमी, दृष्टि अलौकिकता और रूहानियत की कमी, तीसरा वृत्ति चंचल है, वृत्ति में बल नहीं है, और वृत्ति और दृष्टि का आधार है स्मृति, अर्थात स्मृति सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए। जैसे कोई माता है और मधुबन में आई है और सेवा के लिए आई है, बाबा की याद में रोटी बना रही है और अचानक अपने पोते की याद आ गई, याद आते ही आंखों से आंसू, स्मृति और स्वरूप तुरंत, स्मृति का और स्वरूप का गहरा कनेक्शन है। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसा ही स्वरूप बनेगा। हम दिन रात यही सोचते रहेंगे कि मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, अपने आप लक्षण आते जाएंगे।
ये सोचते रहेंगे कि मुझसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। किसी मुरली मां बाबा ने यह भी कहा है, पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, एक बार कर लिया बस, अब वो गलती फिर ना होगी। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती दोबारा न रिपीट करना। तीन चीजों को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना है। थ्री पीज सुना होगा, 79 की मुरली, पाप करना, पश्चाताप करना और पार्डन, माफी मांगना। बार बार पाप करना, बार बार पश्चाताप करना और बाबा को खत लिखना, बाबा आई एम सॉरी, बाबा आई एम सॉरी। इन तीन पी को ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनानी है, बाबा ने कहा। चौथा, अशरीरीपन की अवस्था के अटेंशन की कमी, ये चौथी कमजोरी है सभी ब्राह्मण आत्माओं में। अशरीरपन का अभ्यास कम है, अशरीरपन की अटेंशन की कमी है। इस कारण से तीन चीजें होती है, देहभान, काम और क्रोध बीच बीच में अटैक करता है। काम जिसको सोचा था जीत लिया, अचानक फिर प्रकट हो गया। क्रोध जो कभी आया नहीं 10 साल से, अचानक चिड़चिड़ापन आ गया। कहां से आ गया? आया अर्थात दबा था। बुखार आ रहा है मतलब अंदर कोई बीमारी है, ऐसे ही बुखार नहीं आता है। बुखार इंडिकेट कर रहा है अंदर की बीमारी को। अंदर से चिड़चिड़ापन, अंदर से बाहर से चिड़चिड़ापन, बाहर से क्रोध, आवेश, जोश, अंदर छिपा था क्रोध। अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करना है, यही एकमात्र अभ्यास है जो काम आएगा अंत समय। मैं शरीर हूं ही नहीं, अभी अभी बैठा हूं और शरीर से उपराम, अभी अभी बोल रहे बोलते बोलते ही शरीर से परे, अभी अभी सुन रहे और सुनते सुनते ही शरीर से परे, अभी अभी कर्म कर रहे कर्म करते करते ही शरीर से परे, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। इसी में मास्टरी करनी है, यही डिग्री है सबसे बड़ी ब्राह्मण जीवन की। यह चौथी कमी भगवान देख रहा है, वो देख रहा है जो अभूल का सागर है, और वो ही देख सकता है और कोई नहीं। चौथी पांचवी कमी, संबंध संपर्क में वायुमंडल और वाइब्रेशन का इंप्रेशन, वातावरण के प्रभाव में आता है। वातावरण में भय है तो भयभीत हो गए, वातावरण में दुख की लहर है तो दुखी हो गए, वातावरण में हार की लहर है हम हार गए, अंदर दुख प्रवेश कर गया। और दुख का सबसे बड़ा दोष यह है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो अकेलापन महसूस करता है, और अकेलेपन का सबसे बड़ा दोष यह है कि अकेलेपन विकारों को आकर्षित करता है। नहीं तो एक ब्राह्मण आत्मा जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा ले रखी है, जो कितने सालों से ब्राह्मण परिवार में चल रहा है और अनन्य सेवाएं कर रहा है, अचानक उसका आकर्षण विकारों के प्रति कहां से हो गया? क्योंकि शायद कोई दुख आया, उस दुख ने अकेलेपन को जन्म दिया। एंड लोनलीनेस अट्रैक्ट्स वाइसेस, क्या करेगी चेतना? अकेलापन आ गया है, कोई भी अपना नहीं लगता, सब धोखेबाज, सब ऐसे ही हैं, अकेलापन, दुख की अवस्था, और फिर एक एक विकार अंदर प्रवेश करता है। इसलिए कभी भी दुख को नहीं आने देना, कभी भी अकेलेपन को अंदर नहीं आने देना। तुरंत एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन ओनली देन आई फील लोनली, मैं जब ये भूल जाता हूं कि वो मेरा साथी है तब तब मुझे अकेलापन महसूस होता है। ये पांचवा दोष, कमी, कमजोरी, खामी, इम्परफेक्शन, फ्लॉ, एलॉय, खाद, जंक, विकार। छठवा, फरिश्तेपन के जो स्थिति है, उस स्थिति की कमी होने की वजह से अच्छी और बुरी फीलिंग आ जाती है और फिर फेल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया नाराज, 3 दिन तक बात बंद, आंसू, रोना,
दुख की अवस्था। बाबा ने कहा फरिश्तेपन का अभ्यास करो, मैं भी फरिश्ता और ये सब भी फरिश्ते, ये शरीर जैसे है ही नहीं, लाइट का शरीर है, कार्ब लाइट का अंतवाहक शरीर में मैं घूम रहा हूं। कुछ दिन पहले वरदान था डायमंड, चलते फिरते क्या अनुभव, शक्तियां निकल रही है डायमंड से। ये छठवा और सातवीं कमी, याद की यात्रा में संतुष्टता कम। ये सात कमियां बताई कि याद की यात्रा कर रहे, चाट कर रहे, पुरुषार्थ का बढ़ा रहे, परंतु याद हो नहीं रही है, उसको याद कह ही नहीं सकते, उसमें केवल बाबा से हल्की फुल्की लेन देन हो रही है, बाबा ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। याद अर्थात ज्वाला, याद अर्थात परमधाम की शक्तिशाली स्टेज, वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, बस नीचे ही है कई सालों से। या तो एक कदम आगे 10 कदम पीछे, एक कदम आगे 10 कदम पीछे, यही पुरुषार्थ चल रहा है सालों से, और है वहीं खड़े जहां 10 साल पहले थे। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त मापदादा, जो अवस्था 1 सेकंड पहले थी, 1 सेकंड के बाद अवस्था आगे हो, इसे कहा है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की 3 शक्तिशाली परिभाषाएं बाबा ने दी है। एक तो ये पहली बताई, एक गलती जो की है वो दोबारा न करना, और तीसरी एक परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की, अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969, ज्ञान तो समझ लिया है, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो इन 7 कमियों का योग में बैठेंगे और चिंतन करेंगे कि मुझ में इनमें से 7ों में से कौन सी है। मैं आत्मा संगम के टॉप पॉइंट पर बैठी अपने ब्राह्मण जीवन को देख रही, आंखों के सामने दिखाई दे रही है मेरी अपनी आंखें, एक विशाल पर्दे पर ये आंखें, कितनी अलौकिकता है और रूहानियत है। दिखाई दे रही है मेरी स्मृतियां कितनी शक्तिशाली है। दिखाई दे रही है मेरी वृत्तियों का ये भंवर जाल, देख रहा हूं अपनी दिनचर्या, घर, सेवा केंद्र, ऑफिस, अशरीरी कितने बार बनता हूं, देख रहा हूं जीवन में आई हुई घटनाएं, इन परिस्थितियों ने कितना मुझ पर प्रभाव डाला, इंप्रेशन। देख रहा हूं विपरीत परिस्थितियों में फरिश्ता स्वरूप स्थिति थी, आरोप लगे, अविश्वास हुआ, धोखा दिया गया, दुख मिला आत्माओं से, अशरीरी रहा, फरिश्ता रहा। देख रहा हूं याद की यात्रा, मेरा चार्ट कैसा है, क्या आज का अमृत वेला कल के अमृत वेले से शक्तिशाली था। भट्टी अर्थात परिवर्तन, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन, मैं आत्मा आज इस हॉल में उपस्थित
यह हॉल नहीं एक ज्वाला भवन है, आग लगी है चहुओर तपस्या की, और मैं इस आग में आई हूं जल रही। एक एक विकार नष्ट हो रहा है, सातों कमजोरियां भस्म हो रही है। ब्राह्मण जीवन में जो भटक गया था, नियति ने अवसर दिया है फिर से अपने तीव्र पुरुषार्थ की यात्रा आरंभ करने का। बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो इस तपस्या कुंड में तूने मुझे पहुंचा दिया। मौन क्रांति, चेतना की गहराई में प्रवेश, स्वयं के अंतस के जगत को देख रहा हूं। ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस की सबसे पहली अवस्था संकल्प। हर महान कार्य के लिए संकल्प की आवश्यकता है, हर महान कार्य के लिए प्रण की आवश्यकता है, हर महान कार्य के लिए विचार की आवश्यकता है। यह भक्ति मार्ग नहीं अंधश्रद्धा का, जहां जो भी आ रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए। सत्वचन महाराज, यह ज्ञान का प्रखर मार्ग है। यहां प्रज्ञा का आह्वान करना है। संकल्प करना है सबसे पहली स्टेप कि मुझे आत्मअभिमानी बनना है। देहभान में देख लिया क्या क्या होता है, देहभान में देख लिया क्या क्या अनुभव हुआ, जीवन नरक बन गया। और देहभान की वो सूक्ष्म रूप भी देख लिए, कैसी चेतना आंदोलित हो गई, कैसा दुख प्रवेश कर गया। आज से ये संकल्प इसी भट्टी में अभी अभी बैठे बैठे ही संकल्प करना है कि आगे का जीवन जो होगा वो आत्मा के लिए होगा, देह के लिए नहीं। बहुत देह को देख लिया, बहुत देह को स्पर्श कर लिया, बहुत देह का ध्यान रख लिया, आज सुबह की साकार मुरली मिनट बाय मिनट उतराई हुई है। ड्रामा की टिक टिक मिनट बाय मिनट चलती है। रील और ये ह्यूज रोल बन गया है। संकल्प ये पहली विधि, पहली स्टेप, पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप। और संकल्प शक्तिशाली होना चाहिए। बीज जितना शक्तिशाली होगा उतना ही पेड़ शक्तिशाली, झाड़ शक्तिशाली होगा। और संकल्प किस स्थान पर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। संकल्प किन लोगों के बीच किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, और संकल्प किसके सामने किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, और संकल्प को कितना देर तक किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, और संकल्प की पालना कितनी कर रहे होने के बाद वो भी महत्वपूर्ण है। संकल्प कर दिया और छोड़ दिया, बीज फेंक दिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं होगा। संकल्प बीज है। जो विकर्म हमसे हुए जीवन में उसका भी कोई ना कोई बीज तो था। जो पुण्य हमसे हुए है उसका भी बीज था। वो बीज शायद होगा
कोई मुरली क्लास में बैठे हैं और अचानक मुरली में कोई पॉइंट आ गई और किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं और अंदर समा गई और फिर संकल्प किया कि बाबा के लिए ये करना है। गीता पाठशालाएं खुल गई, आत्माएं समर्पित हो गई, कहां से बीज निकला? महात्मा गांधी एक बार भाषण दे रहे थे और एक नवयुवक खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम कायर हो, सारी सभा के बीच में तुम बुजदिल हो, तुमको मार दिया जाना चाहिए, चले जाओ इस देश से, तुम भारत के शत्रु हो। महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं कहा, चुप। पब्लिक इंसल्ट हुई है सभी लोगों के सामने, परंतु इस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। एक तीसरे व्यक्ति ने यह दृश्य देखा जो उसी सभा में बैठा था, खान अब्दुल गफ्फार खान, और वो इतना प्रभावित हुआ कि किसी व्यक्ति की का ऐसा अपमान होता है उसके बाद में कुछ नहीं कहता है व्यक्ति, जरूर इसमें कुछ महानता होगी। और वही खान अब्दुल गफ्फार खान 1930s में उसने एक संस्था की स्थापना की जिसकी मुरलियों में चर्चा आती है, खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत। उसे फ्रंटियर गांधी कहा गया, सरहद गांधी। महात्मा गांधी के जीवन में जो प्रिंसिपल थे सब कुछ उसने अपने अंदर धारण कर लिए, वो पठान था। पर जन्म कैसा हुआ, क्रांति कहां से आई, वो बीज कहां बोया गया अहिंसा और सत्य का, उस सभा में जब वो बैठा था तब। इसके लिए संकल्प बहुत आवश्यक है, संकल्प बीज है। हमें याद है हमारे अपने जीवन की एक घटना, जब हम बहुत छोटे थे, एक बीज बोया गया और वो बीज बाद में अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ। वो एक गीत था, कोई कविता थी, जो पूरे शब्द भी हमने नहीं सुने थे, थोड़े ही शब्द सुने थे, पर वो शब्द इतनी गहराई में चले गए थे। वो गीत तो शायद अब सुना कुछ सालों में पूरा, वो मराठी गीत था एक, बलसागर भारत हो वो। ये भारत बल का सागर बन जाए, हे जीवन ना तरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया ला हो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, इसके लिए मेरा जीवन संसार और संसार की वासनाओं के लिए नहीं है। सर्वस्व त्यास अर्पीन, अपना सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। वो शब्द बीज थे जो हमारे मन में समा गए और तभी से लगने लगा, मी सिद्ध मरा या ला हो, मरूंगा तो सिद्ध होके मरूंगा। पूरा गीत तो पता ही नहीं था क्या है, बस शब्द रह गए, पर वो शब्दों में जो भाव थे वो बीज की तरह समा गए। पहली स्टेप संकल्प, सेकेंड स्टेज विजुअलाइजेशन। पहले संकल्प करना है मुझे आत्म अभिमानी बनना है, सेकेंड स्टेज है आत्म अभिमानी की, उस आत्मा को यहां विजुअलाइज करना है, देखना है मन की आंखों से। आत्मा चमकता हुआ मणि है, आत्मा हीरा है, आत्मा। आप दूसरा होमवर्क आप सबको दे रहे जो अगले 2-3 दिन में करना है, ऐसी 50 बातें लिखनी है आत्मा क्या क्या है। जैसे उदाहरण, शरीर कुटिया है तो आत्मा बैठा हुआ सन्यासी है, इस तरह की 2-2। शरीर घर है तो आत्मा घर में रहने वाला व्यक्ति है, ये दूसरा। तीसरा सीप और मोती, इस तरह के उदाहरण, इस तरह के एग्जाम्पल जो आपको योग में काम आएंगे। मैं आत्मा कुटिया, भ्रुकुटी की कुटिया के मध्य में बैठा हूं,
दो चीजें लिखनी है, आत्मा और शरीर। कॉलम बनाना है सोल बॉडी, सोल क्या है बॉडी क्या है। 50 बड़ा टारगेट है, चिंतन करना होगा। कोर्स में हम दो तीन बताते हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ी और ड्राइवर। विस्तार करना है चिंतन के लिए, विस्तार के लिए चिंतन की आवश्यकता है। एक फिलोसोफर ने लिखा है, मैं जानबूझकर ऐसी बातें बोलता हूं जो कंट्रोवर्शियल हो, ताकि बोलने के बाद लोगों का चिंतन चालू होता है, तब तक आराम से डल बैठे रहते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि लोग जाग जाते हैं नींद से, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आई गिव देम प्रॉब्लम्स एंड दैट स्टिमुलेट्स देयर थिंकिंग, आई क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज एंड दैट स्टिमुलेट्स देयर थिंकिंग, नहीं तो कुछ भी नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, वो एक व्यक्ति के पास गया, वो कुछ भी करता नहीं था, खाना पीना और सोना। उसको उन्होंने कहा, तुम चोरी कर सकते हो, एटलीस्ट तमोगुण से पहले रजोगुण में आओ, चोरी रजोगुण, फिर सतो की बात सोचो। इतनी इनर्शिया, इतनी डलनेस में आत्मा खो गई है कि पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, ज्ञान में चलना अर्थात अमृत वेला करना, मुरली सुनना, थोड़ी बहुत सेवा करना, ब्रह्मा भोजन बनाना, खाना, शाम का योग करना, रात को याद करना, चार्ट लिखना और सो जाना, बस यही है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये साधारण पुरुषार्थ है, कुछ और करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से देखना। यहां पर आत्माभिमानी बनने के लिए सेकेंड स्टेप है विजुअलाइज। इस संसार में जितनी भी महान का जितने महान कार्य हुए हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति से हुए हैं। लोगों ने पहले देख लिया, हाँ ऐसा है। हमें याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में जो हमारे डीन थे उनका आखिरी दिन था, लास्ट डे, रिटायर हो रहे थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, और उन्होंने एक बात कही, जीएमसी नागपुर, उन्होंने कहा, मुझे याद है 1960s 60 का दशक जब मैं पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया था और मुझे डर था, रैगिंग का डर, हर चीज का डर कॉलेज में, और जैसे ही कॉलेज में कदम रखा मैंने संकल्प किया एक दिन इसी कॉलेज का डीन बनूंगा। एक अभी डॉक्टर भी नहीं बना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, संकल्प उसने किया कि मैं इस कॉलेज का डीन बनूंगा। और उन्होंने कहा कि इस दृश्य को मैंने रोज देखा, इस दृश्य में मैंने कलर भरे। पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन, तीन शब्द है। जो देखो उसमें कलर भरना है, क्या बनना है उसको देखना है, उसमें रोज कलर भरने हैं, उसको लाइव बनाना है, और वो हो गया। हमको एक दूसरी भी बात याद आती है जो हमेशा हम कहते हैं, हम जब हॉस्टल में रहते थे, जितने हम लोग स्टूडेंट्स थे किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, एमबीबीएस की पढ़ाई किसी को भी पसंद नहीं थी, सबको बाकी काम ही इतने थे, पढ़ाई कब करेंगे, दूसरे दूसरे काम बहुत थे, घूमना फिरना वगैरह वगैरह। परंतु जो हॉस्टल में जो कमरे थे हरेक के, हरेक ने अपना नाम लिख के रखा था, जैसे डॉक्टर अनिल, और नीचे अपनी ढेर सारी डिग्रियां, जो अभी हुई भी नहीं है, अभी एमबीबीएस ही नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट ईयर चालू है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, FRCS ब्रैकेट में अमेरिका, ऐसे तीन चार चार चार। और हमने देखा अभी उसको कितने साल गुजर गए, जिसने जो लिखा था उस समय वो आज वो बन गया है, पढ़ाई की या न की, ये क्या था, विजुअलाइजेशन। जो चित्र उन्होंने बना के रखा, मुझे सर्जन बनना है, प्लास्टिक सर्जन बनना है, कुछ भी करके बनना ही बनना है, पढ़ाई जीरो, पर जो विजुअलाइज किया उसमें कलर भरे, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, हर दिन देखा उसको, और इतना देखा कि जैसे उसके समीप आते गए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण होता है उसका। जो जो तुम इच्छा करोगे ये सारी कायनात षड्यंत्र करेगी उसको सत्य स्थापित करने के लिए, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरसी, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। प्रयत्न नहीं, षड्यंत्र, कुछ भी करके तुमको बनाएगी, जो तुमने देखा होगा।
देखा मुझ में क्रोध बहुत है। रोज एक ऐसा व्यक्ति का चित्र देखो जिसमें क्रोध जरा भी नहीं है, अभी रोज रोज ब्रह्मचर्य भंग होता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो कि जो बाल ब्रह्मचारी है, और वो मैं खुद हूं, और उसके समीप आना है धीरे धीरे धीरे। लक्ष्य है आत्माभिमानी बनना। एक ऐसा व्यक्ति देखो कि जो निरंतर आत्माभिमानी है, हर अवस्था में आत्माभिमान की अवस्था में क्या महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बिजी से बिजी कार्य भी किया जा सकता है। हमें एक दूसरी घटना याद आ रही है अपने ही जीवन की, जो कुछ सालों पहले की है। एक बार क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं, वहां दिन रात इमरजेंसीज आती है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे, कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ। एक अगर इमरजेंसी आती है तो 2 घंटा लग जाता है सब कुछ करने के लिए, और वहां पर बहुत कुछ करना पड़ता है, ये करो वो करो, ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हमको याद है एक बार सुबह 2:30 बजे हम बाबा की कुटिया में बैठे थे, आईसीयू से फोन आया कि एक पेशेंट आया, कोई टूरिस्ट। तो यूजुअली तो ये लोग मैनेज कर लेते जो जूनियर डॉक्टर्स है, पर उसका वापस फोन आया कि पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, शायद उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है और वो इंटूबेशन भी बहुत डिफिकल्ट है। तो हम तो बाबा की कुटिया में थे तो हमको लगा अब इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ो, और हम गए। वहां गए, पेशेंट देखा तो बहुत बैड था, बहुत सीरियस था, उसको सब कुछ किया, सेंट्रल लाइन, वेंटिलेटर वगैरह 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 सब कुछ किया। बाहर आए, उसके रिश्तेदार थे उनसे भी बात की और निकल के आ गए। पर ये पहली बार ऐसा हुआ था, कुछ सालों पहले की बात है, कि जब हम कुछ भी बोल नहीं रहे थे, इतनी इमरजेंसी मौन में मैनेज की, आत्माभिमानी स्थिति में मैनेज की, और वहां से निकल के आ गए और भूल गए अपना योग चालू, जहां से छोड़ा था 4 बज गए योग चालू। फिर जब राउंड के लिए गए तब तक बुद्धि से निकल गया था कि कुछ किया भी, अनुभव हुआ अकर्म था वो। और जब पहुंचे तो उसके रिश्तेदार आए और सीधा पैर पड़ने लगे, अरे वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमको लगा ये कौन है, देखा तो ये तो सुबह वाले रिश्तेदार है। अंदर गए तो पेशेंट वेंटिलेटर पे था पर फुल्ली कॉन्शियस था, 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा, बाद में वार्ड गया, फिर डिस्चार्ज हो गया। तो कठिन से कठिन और इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में भी आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास किया जा सकता है। ये पहली बार हमको अनुभव हुआ, नहीं तो ऐसा सब कुछ होता है तो आत्मा गई बाजू में और केवल शरीर रह जाता है बस। बाबा वगैरह सब बाद में याद आता है, सब कुछ होने के बाद। तो सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन, जो बनना है उसको रोज देखना है। फरिश्ता बनना है, रोज फरिश्ता देखो और वो आ रहा है, और जब समीप आए तो अरे कहना, अरे ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो मैं ही हूं। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, उस आत्मा में स्थित हो जाना, स्टेबिलाइजेशन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। पहला संकल्प किया मैं आत्मा हूं, आत्मा बनना है। दूसरा उसको देखना चालू किया, हां यहां चमक रही है आत्मा, और अलग अलग शब्दों में देखना उसे, कभी हीरा कभी मणि, कभी बिंदु कभी कण, कभी ज्योति कभी पॉइंट ऑफ लाइट, अलग अलग रूप में देखना उसको, किरणें निकल रही है। तीसरा उसमें स्थित हो जाना, और स्थित हो जाना मतलब उसका जो जो स्वरूप है, मूल स्वरूप आत्मा का जो है, उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर वहां वो जो विचारों की हलचल है, समस्या है जीवन की है, वो सब नीचे रह जाएगी और हम यहां है आत्माभिमान में स्थित। ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था स्वमान। अब मैं आत्मा हूं के साथ में अच्छे अच्छे स्वमान जोड़ना है। जैसे आज सुबह की मुरली, मैं आत्मा एवर रेडी हूं, अर्थात हर घड़ी अंतिम घड़ी स्लोगन आज का। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, वरदान आज का। मैं आत्मा परफेक्ट हूं, एक जगह मुरली में आया है। मैं आत्मा बाप समान ज्ञान का सागर हूं। एक स्वमान जोड़ देना, अब उस स्वमान के साथ आत्मा को जोड़ना और फिर अनुभव करना, यह है स्वमान ले लेना। एक मैं महान आत्मा हूं।
जैसे ही मैंने कहा महान, छोड़ नहीं देना है, अब महान आत्मा हो तो मुझ में क्या क्या है, वो जो मुरली जो 71 की थी 25 अगस्त की, उसमें बाबा ने कहा तीन चीजों का अभ्यास करो, एक स्वयं को मेहमान समझो, दूसरा महान अंतर को जानो बुद्धि और संकल्प और कर्म, और तीसरा महिमा गाओ। तो हमने एक संकल्प ले लिया, मैं मेहमान हूं, मेहमान हूं अर्थात मेरा अटैचमेंट नहीं है, मेहमान हूं अर्थात मुझे यहां से जाना है, मेहमान हूं अर्थात जो मेहमान आते हैं उसकी क्या क्या विशेषता होती है, कौन बताएगा या सब बताओ, मेहमान क्या सोचता है, डिटैच होता है, मेहमान इंटरफियर नहीं करता है वहां पे जो गड़बड़ हो रही है, मेहमान को पता है मुझे चार दिन रहना है निकल जाना है, मैं क्यों रहूं, क्यों किसी के किसी से पंगा लूं, क्यों किसी में इंटरफियर करूं, इंटरफियर नहीं करता। और मेहमान का लक्ष्य होता है जितना दिन हूं अच्छे से रहूं, और मेहमान का लक्ष्य होता है जैसा कमरा मिला जाते समय भी वैसा ही छोड़ के जाऊं, ये प्रैक्टिकल की बात है, नहीं तो कमरा छोड़ के जाते समय कंबल एक तरफ, बेडशीट एक तरफ, बाथरूम में बेसिन में बाल ही बाल लहरा रहे, जैसा कमरा लिया है वैसा ही छोड़ना है, सिलवट भी ना हो उसके ऊपर एक बेडशीट पर। तो मेहमान का लक्ष्य होता है जितना दिन हूं उतना अच्छे से रहूं, किसी से झगड़ा ना हो, प्यार से रहू, हो सके तो घर मालिक की थोड़ी मदद कर दूं, यह भी लक्ष्य होता है। तो मैं इस संसार में, इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूं, आई एम द गेस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ये सामान ले लिया। अब इस सामान का चिंतन करना है, सामान केवल रटने की बात नहीं है, मैं महान हूं मैं महान हूं मैं महान हूं, महान हूं तो क्या, महान कार्य भी करना पड़ेगा, महान हूं तो सहन करना पड़ेगा, महान हूं तो सब कुछ समाना पड़ेगा, अंदर सिक सिक झुक झुक जल जल मरमर सब करना पड़ेगा। तो चौथी अवस्था स्वमान, पांचवी अवस्था स्वमान का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्माभिमानी स्थिति की पांचवी अवस्था, जो स्वमान लिया अब उसका एकांत में जाकर गहराई से अनुभव करना है, पहले चिंतन किया अब अनुभव कर रहे, वास्तव में देखना हो कि मैं गेस्ट हूं यहां पर इस धरातल पर, ये मैंने क्या रिश्ते बना रखे हैं, संसार लौकिक संसार छूट गया, लौकिक मां बाप बहन भाई छूट गया, इस ब्राह्मण परिवार में ही लौकिक अलौकिकता में लौकिकता लाई है, ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे संबंध बना के रखे, किसी को भाई बना के रख दिया, किसी को बहन बना के रख दिया, किसी को मां बना के रख दिया, कोई छोटे भाई जैसा लगता है, अटैचमेंट है टीचर को स्टूडेंट से, अटैचमेंट स्टूडेंट्स को टीचर से, अटैचमेंट हमारी टीचर सबसे अच्छी है, वो चली गई तो वही चाहिए, हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रेन में बैठे हैं, कोई दूसरा यात्री आया 4 घंटे साथ में फिर उतर के चला जाएगा, वो जा रहा है तो हम दुख कर रहे हैं क्योंकि अटैचमेंट उत्पन्न की जब तक वो था तब तक, क्यों, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है कि किसी से भी अटैचमेंट ना हो, किसी से भी अलौकिकता में निर्लिप्त रहना, इस ब्राह्मण जीवन में अनअटैच्ड जीवन, प्यार सबसे करना है परंतु अटैच नहीं होना है। कभी तो बाबा ने कहा था एक सच्चा प्यार केवल बाप से और बाकी से झूठा, हाथ घुमा देना बस ऊपर ऊपर से बस, जैसे एक नर्स है हॉस्पिटल की, बच्चों के वार्ड में काम करती है, 50 बच्चे हैं वहां पर, सबकी देखभाल करती है सुबह से लेकर रात तक, पर सारा ध्यान कहां होता है, अपने बच्चे की तरफ जो घर पर है, इसका मतलब ये नहीं वो ध्यान नहीं दे रही है पेशेंट्स की तरफ, पेशेंट्स की भी देखभाल कर रही है, पर ध्यान कहां है, वहां जहां उसका अपना बच्चा है, इस संसार में रहते हुए भी ध्यान वहां, इस आवाज में रहते हुए ध्यान आवाज से परे, इस भीड़ में रहते हुए ध्यान एकांत,
तो अनुभव ये पांचवी अवस्था है आत्म अभिमानी स्थिति की, सेवन फिफ्थ स्टेज ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, सिक्स स्टेज। उसके बाद में छठवी अवस्था कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में आ रहे हैं। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है किसी के भी वर्तमान संस्कार देखना ही नहीं है तुमको, आदि देखो या अनादि संस्कार देखो बस। क्योंकि अभी के देखोगे तो किसी में ईर्ष्या है, किसी में जेलसी है, कोई कूटनीति कर रहा है, कोई पार्शियलिटी कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी शांत नहीं बैठा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बाबा ने कहा वर्तमान संस्कार देखो ही नहीं, खेल चल रहा है, सुबह की मुरली, ड्रामा हो रहा है, जो चल रहा है उसे देखते रहो साक्षी होकर। जैसे बाबा जरा भी इंटरफियर नहीं करता इस ड्रामा में, जो हो रहा है देख रहा है, कितना परम साक्षी है। क्या इतना साक्षी हम हो सकते हैं? जैसे एक गुरु थे, उन्होंने देखा एक बगुला आया और एक मछली को पकड़ रहा है, बगुला ऊपर से उड़ता हुआ आया, मछली को पकड़ रहा है और मछली को जब पकड़ रहा है तो वो बगुले को उड़ा देता है, मछली को बचा देता है, उसकी मृत्यु होती है, सीधा नरक जाता है। उसे आश्चर्य होता है मैंने तो बचाया। फिर उसका शिष्य उसी स्थान पर बैठ के तपस्या कर रहा है, फिर से देखता है एक बगुला आ रहा है और मछली है, वो बगुले को मछली को खाने देता है, पकड़ देता है, गुरु से सीखता है, उसकी मृत्यु होती, वो भी नरक में जाता है। तीसरा उनका शिष्य, वो ये दृश्य देखता है कुछ भी नहीं करता है, वो भगवान के धाम जाता है। यह आश्चर्यचकित घटना देखकर प्रश्न पूछा जाता है भगवान से, ये क्या किया आपने? भगवान कहते हैं पहली बार जब बगुला आया वो बहुत भूखा था और इसने उसे उड़ा दिया और वो मर गया बगुला, इसलिए पाप। दूसरी बार बगुला बहुत भरपेट था पर वो खेल पाल करने के लिए आया था और इसने उसे खाने दिया, मछली मर गई, पाप। और तीसरा, तीसरे ने कुछ नहीं किया, वो साक्षी था, उसने केवल देखा और प्रभु के चिंतन में मगन रहा, भगवान के चिंतन में लग गया, इसलिए कोई भी पाप नहीं बना। तो साक्षी, तो ये है कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति। और लास्ट आत्मिक दृष्टि, जो भी संपर्क में आए ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, अज्ञानी हो या ज्ञानी, यह देव कुल की आत्मा है। तो ऐसी ये सात अवस्थाएं हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला बताया संकल्प करना कि मुझे आत्माभिमानी बनना है, दूसरा विजुअलाइज, मन की आंखों से देखना, मानस चित्र बनाना जो बनना है, आत्माभिमानी बनना है तो आत्माभिमान। तीसरा उसमें स्थित हो जाना, उस आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना। चौथा समान, रोज की मुरली से समान उठाने हैं। मुरली सुनते समय पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अभी केवल समान लिखना, ये समान, और फिर सारे दिन भर उसका अभ्यास। अगला उस समान का अनुभव, एकांत में जाओ, मौन में जाओ, किसी स्थान पर बैठकर उसका अनुभव। अगला कर्म करते समय आत्माभिमानी स्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका चिंतन करना और अभ्यास करना कि मैंने आज कितने लोगों को आत्म देखा। आत्माभिमानी कर्म करते समय, कठिन से कठिन कर्म करते समय, फ्लाइट पकड़ रहे, कुछ भी कर रहे, ट्रेन में चढ़ रहे, आत्माभिमानी स्थिति रही। और लास्ट सोल कॉन्शियस विजन, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, बॉडी रिलैक्स, मन एकदम शांत, देह के भव्य भाल पर विराजमान,
मैं आत्मा हूं। देख रहा हूं स्वयं को चमकती ज्योति। चमकता हुआ हीरा। आत्मिक स्थिति में स्थित प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। मैं कौन सी आत्मा हूं? इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता का अनुभव। देख रहा हूं अपनी दिनचर्या रोज की, बात करना, कोर्स कराना, सेवा करना, कामकाज करना, दफ्तर, ट्रैवल, सब मैं आत्माभिमानी हूं। सुबह से लेकर रात तक कितनी आत्माओं के संपर्क में आता हूं। क्या आत्माभिमानी दृष्टि है? स्वयं का अन्वेषण, स्वयं का एनालिसिस। और संकल्प करता हूं आज से ये जीवन छाया के पीछे नहीं, परंतु मूल